हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टाइक्विंग मीनू को मीडिया से बचकर बाहर निकलने के लिए बोल देता है और खुद रिपोर्टर को कंफ्यूज करने के लिए दूसरे डायरेक्शन में भागने लगता है। रिपोर्टर टाइक्विंग का नॉनस्टॉप पीछा कर रहा होता है। फिर टाइक्विंग के सामने अचानक से ल्यूजिन आ जाती है और ल्यूजिन से वो ये कहकर चला जाता है कि अब तुम अपनी फेक बनने की स्पेशलिटीज रिपोर्टर के सामने दिखाओ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो रिपोर्टर ल्यूजिन से उसके और टाइक्विंग के डेटिंग के बारे में सवाल करता है तो ल्यूजिन को कुछ समझ ही नहीं आता। अब टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी वापस आ रहे होते हैं तो जियांग और जेरेमी को भी ये पता चलता है कि मीनू इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे ये बैड न्यूज़ मिली थी कि उसकी मॉम अब नहीं रही। जेरेमी बहुत बुरा फील कर रहा होता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मीनू के मॉम डैड नहीं है और मैंने हमेशा उसे अपनी स्टूपिड हरकतों से तंग ही किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मीनू अपनी आंट के पास होती है तो वो अपनी आंट से अपनी मॉम का नाम पूछती है और पूछती है कि क्या आपके पास उनकी कोई पिक्चर है, तो आंट के मना करने पर वो सैड हो जाती है। मीनू की आंट उसे खुद को संभालने के लिए कहती हैं। मीनू जब वापस विला में पहुंचती है तो वो सोचती है कि शायद अभी कोई भी वापस नहीं लौटा है। वो लाइट ऑन करती है कि टाइक्विंग, जियांग और जेरेमी आकर से सरप्राइज देते हैं और कहते हैं कि आज हम तुम्हारे फर्स्ट कॉन्सर्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। वो लोग साथ में डिनर करने बैठते हैं। जेरेमी अपनी उल्टी सीधी परफॉर्मेंस से मीनू को खुश करने की कोशिश करता है और वो खुश होती भी है। डिनर में जब टाइक्विंग नूडल्स को अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है तो यहाँ जेरेमी मीनू को बताता है कि जब हमने म्यूजिक इंडस्ट्री में डेब्यू किया था तो हमने एक गेम शो में पार्टिसिपेट किया था, तब टाइक्विंग के साथ कुछ ऐसा डिजास्टर हुआ था कि तब से वो नूडल्स की तरफ देखता भी नहीं है। जेरेमी मीनू से पूछता है कि गाँव मिनन, तुम वो रिकॉर्डिंग देखना चाहोगे, और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। टाइक्विंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे पागल बना सकते हो, कितना टाइम हो गया है, पॉसिबल ही नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग अभी भी तुम्हारे पास होगी। इस पर जियांग कहता है कि वो रिकॉर्डिंग जेरेमी ने सच में संभाल कर रखी है और मैं भी कई बार वो देख चुका हूँ। ये सुनते ही टाइक्विंग अंदर जाता है। जेरेमी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है तभी टाइक्विंग आकर उसे बंद करने के लिए कहता है। जेरेमी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और टाइक्विंग के उस आइकॉनिक सीन पर प्ले कर देता है और यहाँ मीनू जब उस गेम शो में टाइक्विंग का रिएक्शन और फेस एक्सप्रेशंस देखती है तो वो हंसने लगती है। टाइक्विंग जेरेमी के पीछे भागता है और बोलता है कि जेरेमी तुम तो अब गए। इधर रिपोर्टर पाल बैंड के मैनेजर से टाइक्विंग और ल्यूजिन की डेटिंग के बारे में बात करता है तो वो कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है, शायद तुम्हें कोई गलत न्यूज मिली। रिपोर्टर पाल मैनेजर को वो पिक्चर भी दिखाता है जिसमें मीनू और टाइक्विंग भाग रहे थे और उनका बैक साइड विजिबल था, पर मैनेजर कहता है कि इस पिक्चर से तो कुछ भी साबित नहीं हो रहा। रिपोर्टर सोचता है कि अब मुझे कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ ढूंढना होगा। इधर मीनू पानी पीते पीते टाइक्विंग के बारे में सोचकर हंसती जा रही थी। इस पर टाइक्विंग वहां आके कहता है कि जब तुम शाम को थोड़ी देर पहले रो रही थी तब भी मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था और अब जब तुम हंस रही हो तब भी। मीनू उसे सॉरी बोलती है। टाइक्विंग कहता है चलो कुछ भी हो, तुम्हारे कंटिन्यूस रोने से तो इस तरह हंसना ही बेटर है। मीनू टाइक्विंग से कहती है कि तुमने अपने फर्स्ट शो में जो स्कार्फ वाला स्टाइल रखा हुआ था उसमें तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। इसके बाद वो टाइक्विंग को बताती है कि अब क्योंकि उसको उसकी मॉम के बारे में पता चल गया है तो वो बहुत जल्दी ही यहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर टाइक्विंग के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। मीनू चली जाती है तो वो बोलता है कि इसका भाई अभी तक वापस नहीं आया और ये यहाँ से जाना चाहती है, इसको अपने भाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि टाइक्विंग को एक्चुअली किसकी चिंता हो रही है और वो यहाँ किसकी बात कर रहा है। मीनू जियांग की टेबल क्लीनिंग में हेल्प करने जाती है तो जियांग उसे उसका हाथ आगे करने के लिए कहता है और क्योंकि जियांग को कोरियन लैंग्वेज भी आती है तो वो उसके हाथ पकड़ के कोरियन में ही बोलता है कि गाँव मिनैन, मुझसे कन्फेस करो कि तुम्हें एक लड़की हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी और मैं तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स बता दूंगा। मीनू कहती है कि जियांग तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जियांग बात को टाल देता है। मीनू जब प्लेट्स रखने के लिए अंदर आती है तो जेरेमी उससे वो प्लेट्स ले लेता है और कहता है कि मैं अब तुम्हारा ध्यान रखूंगा और कभी भी तुम्हें बुली नहीं करूंगा। मीनू कहती है कि मैंने तो इस तरह से कभी नहीं सोचा और मुझे तो तुम हमेशा मस्ती करते हुए अच्छे लगते हो। तभी जेरेमी का पैर कहीं अड़ता है और वो गिरने वाला होता है तो मीनू उसे पकड़ लेती है। अब वो फिर से मीनू की बातों को अलग ही टोन में इमेजिन करने लगता है और उसे यहाँ फिर से लगने लगता है कि गांव मिनैन उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो एक स्टैचू की तरह खड़ा का खड़ा रह जाता है।
मीनू के जाने के बाद वो सोचता है कि मुझे अचानक से क्या हो गया था और वो खुद को काम डाउन करने की कोशिश करता है। इधर टाइकविंग स्टाइलिस्ट से अपना वही पुराना वाला लुक क्रिएट करवाता है, तभी वहां पर ल्यूजिन भी आ जाती है। वो टाइकविंग के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। इस पर वो बोलता है हाँ, इसके लिए मुझे बस तुम ही तो मिली हो मिस लायर। वो टाइकविंग के पास आकर बैठती है और उससे पूछती है कि उस दिन रिपोर्टर तुम्हारे और मेरे बारे में सवाल क्यों कर रहा था। पर टाइकविंग को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर वो उसे उस दिन वाली वो पिक्चर दिखाती है जो उसे रिपोर्टर ने सेंड की थी और उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है जो बिल्कुल मेरे स्टाइल के कपड़ों में थी। टाइकविंग उसका फोन ले लेता है और वो पिक्चर देखते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस लड़की की हाइट और बॉडी शेप बिल्कुल तुमसे अलग है और तुम्हारा इसमें कहीं कोई नाम नहीं आएगा। फिर वो उसे फोन वापस कर देता है, पर उससे पहले उस फोटो को डिलीट कर देता है। ल्यूजिन यहाँ सोचने लगती है कि वो लड़की आखिर कौन हो सकती है। इधर बैंड का मैनेजर टाइकविंग को बताए बिना एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी मीटिंग में ले जाता है और ये मीटिंग और किसी के साथ नहीं बल्कि टाइकविंग की मॉम के साथ होती है। टाइकविंग का उनको देखकर मूड खराब हो जाता है। बैंड मैनेजर को उन दोनों की रियल रिलेशन के बारे में नहीं पता। इधर जियांग मीनू को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। वो उसे लंच के बाद उसके साथ कहीं चलने के लिए बोलता है। मीनू जब पूछती है तो वो बोलता है कि हम फेरिस व्हील राइड के लिए जाएंगे, मुझे काफी टाइम हो गया वहां गए हुए। मीनू हाँ बोल देती है क्योंकि वो भी कभी पहले वहां नहीं गई होती। जियांग अपने साथ कुछ प्रॉप्स भी लेकर आया था जो पहनकर वो लोग बाहर जाने वाले हैं ताकि उन्हें कोई भी ना पहचाने। मीनू जियांग के पास एक और पैकेट देख के उसके बारे में पूछती है तो वो कहता है कि इसमें उस लड़की के लिए गिफ्ट है जिससे मैं आज कन्फेस करने वाला हूँ और एक ऐसी बात है जो मैं उसके बारे में जानता हूँ पर मैंने उसे कभी बताया नहीं और ये गिफ्ट उसी बात की अपोलॉजी एक्सप्रेस करने के लिए है। मीनू कहती है जियांग तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हें कोई लड़की कभी मना कर ही नहीं सकती। इधर टाइकविंग जब मिसेस लैन के साथ लंच कर रहा होता है तो उस फूड में श्रिम्प होता है जिससे उसे एलर्जी है और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर मीनू भी अपनी ड्रेस साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है और पब्लिक प्लेस पे होने की वजह से उसे जेंट्स वॉशरूम में जाना पड़ता है। वहाँ वो टाइकविंग को उस हाल में देखती है और परेशान हो जाती है। टाइकविंग उसे देखकर वहाँ से बाहर आ जाता है तो मीनू भी उसके पीछे जाती है। इधर जियांग मीनू को फोन कर रहा होता है पर मीनू का फोन तो वहीं पर ही होता है। जियांग मीनू को वॉशरूम में देखने जाता है और जब वो वहाँ से आ रहा होता है तो मीनू टाइकविंग के फोन से कॉल करके उसे टाइकविंग की हालत के बारे में बताकर कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती। वो उसे कहती है कि तुम उस लड़की से मिलने जरूर चले जाना। जियांग ये सुनकर सैड हो जाता है। मीनू टाइकविंग से पूछती है कि क्या तुमने श्रिम्प खा ली है जो तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई। टाइकविंग उससे कहता है तुम्हें भी मेरी एलर्जी के बारे में याद है, पता नहीं उस लेडी को कुछ क्यों नहीं याद रहता। यहाँ वो अपनी मॉम की बात कर रहा था। इधर जियांग उस गिफ्ट पैक को देख रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि मीनू को एक दिन एक शॉप में शू का एक पेयर बहुत पसंद आ गया था और जियांग उसके पीछे ही थोड़ी दूर खड़ा था और मीनू के जाने के बाद उसने वहां आकर वो पेयर खरीद लिया था और आज वो मीनू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद ये गिफ्ट उसे देने वाला था। इधर मीनू टाइकविंग को बताती है कि वो आज जियांग के साथ फेरिस व्हील जाने वाली थी और वहाँ पहले वो कभी भी नहीं गई। साथ में वो उसे ये भी बताती है कि जियांग की एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। इधर ल्यूजिन जब अपने शूट पर होती है तो वो देखती है कि स्टाइलिस्ट वहाँ पर वही ड्रेस डिजाइनर को लौटाने आई है जो कि उस लड़की ने पहनी हुई थी जो टाइकविंग के साथ उस दिन भागी थी। वो सोचती है कि इसका मतलब स्टाइलिस्ट को तो जरूर पता होगा कि वो लड़की कौन है। वो स्टाइलिस्ट के पीछे जाती है और उसे धीरे से कहती है कि उस दिन टाइकविंग और वो लड़की सेफली तो निकल गए थे ना। इस पर स्टाइलिस्ट कहती है कि तुम्हें कैसे पता। ल्यूजिन यहाँ झूठ बोल देती है कि मुझे टाइकविंग ने बताया था। इस पर स्टाइलिस्ट समझती है कि शायद ल्यूजिन और टाइकविंग दोनों सच में डेट कर रहे हैं और वो उससे हर बात शेयर करता है। स्टाइलिस्ट ल्यूजिन को कहती है कि हमें गांव मिनेन के बारे में सीक्रेट रखना होगा वरना सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। और यहाँ ल्यूजिन को सब पता चल जाता है कि गांव मिनेन एक लड़की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइकविंग और मीनू फेरिस व्हील में होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ टाइकविंग को हाइट से डर लग रहा होता है पर वो ये प्रिटेंड नहीं कर रहा होता। मीनू समझ जाती है और ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है।
इसके बाद मीनू तरह तरह के फेसेस बना के टाइक्विंग का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। टाइक्विंग और मीनू जब घर आते हैं तो मीनू टाइक्विंग को आज के लिए थैंक यू बोलती है। टाइक्विंग कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। और आज टाइक्विंग को इस तरह स्माइल करते हुए मीनू जब देखती है तो देखती ही रह जाती है। वो यहाँ सोचने लगती है कि मेरा दिल इस तरह क्यों धड़क रहा है। वो टाइक्विंग के नए लुक की तारीफ करती है। टाइक्विंग कहता है कि मैंने ये लुक तुम्हारे कहने पर नहीं चेंज किया, बल्कि मैं अपनी नई एल्बम के लिए कुछ अलग चाहता था। जियांग इन दोनों को ऊपर से देख रहा होता है और सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीनू जियांग के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की को अपनी फीलिंग्स बता दी। जियांग के मना करने पर वो कहती है कि अभी भी अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तुम मुझे बता देना। पर जियांग यहाँ कुछ उखड़ा उखड़ा सा जवाब दे के चला जाता है। मीनू जब अपना स्टफ पैक कर रही होती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी आंट वहाँ उसके साथ रहने आ गई हैं, क्योंकि उनके लैंडलॉर्ड ने उन्हें अचानक से घर से निकाल दिया है। बैंड का मैनेजर यहाँ कहता है कि अब आंट के लिए एक अलग रूम चाहिए, तो गांव में नैन को अपना रूम छोड़कर टाइक्विंग, जियांग या फिर जेरेमी में से ही किसी के साथ रहना पड़ेगा। मीनू को यह सुन के शॉक लगता है। जेरेमी तो यहाँ साफ मना कर देता है और जियांग टाइक्विंग को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि कोई और ही इसके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। टाइक्विंग भी यहाँ बोल देता है कि वो किसी के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। अब मैनेजर मीनू से ही पूछता है कि तुम ही चूज करो, तुम किसके साथ रहना चाहोगी। मीनू जब यहाँ तीनों की तरफ देख रही होती है तो टाइक्विंग उसे इशारों में ये कह रहा होता है कि तुमने मुझे अगर चूज किया तो तुम गई। पर मीनू यहाँ पर टाइक्विंग की ओर ही इशारा कर देती है, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जानता है और वो उसके साथ ही कम्फर्टेबल रहेगी। टाइक्विंग ये सुन के गुस्सा करने लगता है और साफ मना कर देता है। इस पर बैंड मैनेजर कहता है कि तुम इन तीनों को छोड़ो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें अपने साथ जिम और स्पा भी ले जाऊंगा। अब ये सुनकर मीनू टेंशन में आ जाती है। वो टाइक्विंग को इशारों में बोलने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो। टाइक्विंग को उसकी हालत देख कर यहाँ कहना ही पड़ता है कि गाँव में नैन, तुमने डिसाइड किया था तुम मेरे साथ ही रहोगी, तो मेरे साथ ही रह लो। जियांग को ये सुनकर यहाँ अच्छा नहीं लगता। मैनेजर मार्क मीनू को एक गन जैसा कुछ देते हैं जो उसकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि टाइक्विंग है तो एक लड़का ही ना, और उसके साथ रहना सेफ नहीं है। इस गन के यूज से इंसान इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश हो जाता है। मिस्टर मार्क मीनू को केयरफुल रहने के लिए भी बोलते हैं। टाइक्विंग के रूम में मीनू उसके बेड के नीचे अपना बिस्तर लगा लेती है तो टाइक्विंग आकर बोलता है कि तुमने यहाँ कैसे अपना बेड लगा लिया। इस पर वो कहती है कि अरे मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर सोऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। टाइक्विंग यहाँ गुस्से में उसे अपना बिस्तर और भी दूर करने के लिए कहता है। फिर जब मीनू लाइट्स ऑफ करने के लिए बोलती है तो वो कहता है कि लाइट्स तो ऑफ नहीं होगी, क्योंकि मुझे लाइट्स ऑन करके सोने की आदत है। अब लाइट्स ऑन होने की वजह से मीनू को नींद नहीं आ रही होती, तो वो टाइक्विंग के सोने के बाद लाइट्स ऑफ करने के लिए उठती है। और लाइट्स ऑफ करके जब वो जा रही होती है तो टाइक्विंग को सोते हुए देखने लगती है। फिर वो अपनी पॉकेट में से वो गन निकाल के सोचती है कि अगर इसके बारे में टाइक्विंग को पता चला तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर जब वो उसके फेस को देख रही होती है तो सोचने लगती है कि इसे देखने से मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़कने लगता है, और वो यहाँ गॉड से प्रे करने लगती है। और इस चक्कर में उस गन से उसकी खुद की गर्दन पे स्ट्राइक हो जाती है और वो वहीं टाइक्विंग के बेड पे गिर जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।